छठ पूजा के दौरान दरअसल जो है अपने ग्रामीण क्षेत्र में आए हुए हैं, ग्रामीण परिवेश में, और यहाँ जो है घर में भी छठ पूजा का आयोजन होने जा रहा है, और इसमें मैं सहभागी होने के लिए ईश्वर आया हूँ। बहुत मुश्किल से अवकाश मिला है, किंतु ईश्वर थोड़ा 10 दिन के करीब जो है अवकाश मुझे मिल गया, तो मैं सोचा कि ये समय गांव पे ही बिता दूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो छठ पूजा का आयोजन होने जा रहा है, इसमें एक अलग ही प्रकार की समाज जो है मतलब ग्रामीण परिवेश में देखने को मिलता है। क्या बताऊं, हर जगह संगीत जो है छठ पूजा की बहुत मधुर बानी होती है इस संगीत में, और जगह जगह जो है लोग मतलब जो है तैयारियां करने में दिख जाते हैं, जो सड़क की सफाई से लेके स्वयं, ऐसा नहीं कि उसके लिए जो है वो राशि लेते हैं, नहीं, बिना राशि के जो है सड़क सिंचाई, सड़क की सफाई, गली मोहल्ले तमाम चीज़ों को साफ किया जाता है, नदी में घाट सुंदर से बनाए जाते हैं। एक प्रकार से मैं बता सकूं तो कह सकते हैं कि सबका मिश्रित योगदान इसमें होता है, श्रम योगदान, और जिसके कारण जो है ये पूजा पूर्ण रूप से सफल होती है। काफी अच्छा लगता है। तो आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी हों, और अगर वहाँ पर छठ पूजा का आयोजन हो रहा है, तो आप लोग अपना भरपूर सहयोग दें, भरपूर योगदान दें, ताकि वहाँ भी जो है साफ सफाई से लेकर तमाम चीज़ों में जो है एक सुंदर शैली और एक सुंदर जो है परिवेश का निर्माण हो सके, और अच्छी तरीके से जो है यह पूजा संपन्न हो सके। कुल मिलाकर कहें तो बिहार का यह महापर्व में आता है। छठ को पर्व नहीं कहते, महापर्व यानी सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, जिसमें भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। तो आप लोग भी अपना श्रम योगदान दें, परिवेश को सुंदर बनाएं और छठ पूजा का सफल आयोजन करें। धन्यवाद।